पांचों सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करते हैं। यह दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:3, अंतर 18 है और संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, तो उसमें मानना पड़ेगा। तो मैं मान रहा हूँ कि माना संख्याएं, मानने बिना काम नहीं चलेगा। और संख्याएं क्या होगी, 5x/3x, इस प्रकार से होगी क्योंकि अनुपात के अंदर है। लेकिन अंतर दे रखा है, यानी अंतर का मतलब होता है कि बाकी दोनों को अगर बाकी करें तो उसका आंसर 18 आता है। करते हैं, तो मैं यहाँ यूँ कर देता हूँ कि प्रश्नानुसार यहाँ पे इस प्रकार से लिखने में क्या होता है कि मिस्टेक नहीं होती है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न ये कहता है कि इनका घटाव 18 के बराबर है। देखते हैं 18 के बराबर है कि नहीं। 5x में से 3x चलता है, कितना बचता है, 2x = 18 आता है। तो यहाँ से x का मान आएगा 18/2, तो यहाँ से कटेगा 9 बार, तो यहाँ पे आ जाता है x = 9। अब x का मान 9 आ गया, अब ये x का मान 9 आ गया, तो x का मान इस जगह पे रखेंगे अपन। तो मैं यहाँ रख देता हूँ 5 गुणा, यानी कि मैं लिखता हूँ 5x/3x, तो यह होगा 5×9/3×9, तो ये होगा 9×45/9=27। ठीक है, 45/27 यही है। अब ये आपकी दोनों संख्याएं आ गई, अब इसका अंतर 18 है। देख लेते हैं अगर आप अपना आंसर सही है कि नहीं है। देखो 45 में से 27 जाता है, कितना बचता है यहाँ पे, 8, और यहाँ पे बचता है 1, 18। 18 आ गया, यानी कि इनका अंतर वापस 18 आ गया, यानी कि अपना ये दोनों ये आंसर निकाला अपना एकदम करेक्ट है। ये इसका फाइनली आंसर है।